हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों प्रश्नावली 3.2 क्लास 8 का पहला और दूसरा क्वेश्चन पिछले वीडियो क्लास में मैंने अपलोड किया था। ये तीसरा क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, ठीक है? तो उसकी बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, ठीक है? तो समांतर चतुर्भुज में एक कोण सिर्फ आपको दिया हुआ है। तो यहां देखिए, मैंने समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाया है। इसको हम लोग नाम दे देंगे ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण जो है वो 120 डिग्री है। तो मान लीजिए बच्चों, इस कोण को हमने मान लिया कितना है बच्चों, यह 120 डिग्री का यह कोण है। तो हमें और तीनों कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी है और इसमें एक कोण दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है? तो पिछले क्लास में मैंने पूरा डेफिनेशन परिभाषा के साथ वीडियो अपलोड किया था। अगर आप नहीं देखे तो आप उसको जाकर जरूर देखिए। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? समांतर चतुर्भुज में जो होता है कोण, जो होता है सम्मुख कोण, जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है? यानी ए का सम्मुख कोण क्या है? कोण सी है, ठीक है? और कोण डी का सम्मुख कोण क्या है? कोण बी है। तो कोण ए दिया है 120 डिग्री, तो कोण ए और कोण सी बराबर होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि कोण, सम्मुख कोण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों, कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है? कोण ए बराबर कोण सी। तो कोण सी भी कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा 120 डिग्री का, ठीक है? तो कोण ए कितना दिया है? 120 डिग्री। तो कोण सी भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। तो यहां पे हम लिख देंगे कोण ए 120 डिग्री और कोण सी बराबर 120 डिग्री। तो दो कोण हमें ज्ञात हो गया, दो कोण और हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज में बच्चों ए बी भुजा डीसी भुजा के समांतर है और उसके बराबर है, और एडी भुजा बीसी भुजा के समांतर है, वह बराबर भी होता है, समांतर भी होता है, ठीक है? अब हमें कोण डी और कोण बी ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं, ठीक है? तो समांतर कोण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज में, आसन्न कोण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज में, वो क्या होते हैं बच्चों? समपूरक होते हैं, यानी कि उन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का आसन्न कोण कोण डी है, और कोण ए का आसन्न कोण कोण बी भी है, कोण बी का आसन्न कोण कोण ए है, और कोण बी का आसन्न कोण कोण सी है। आसन्न कोण का मतलब होता है किसी कोण के ठीक बगल वाला कोण। तो कोण ए के बगल वाला कोण कोण डी भी है, और कोण ए के बगल में कोण बी भी है। तो ये दोनों आसन्न कोण हैं। तो कोण ए और कोण डी का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, कोण ए जोड़ कोण डी, मतलब दो आसन्न कोण का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है, यानी वो समपूरक होते हैं। कोण ए हमारा दिया है 120 डिग्री, कोण डी हमें निकालना है। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस कोण ए, ठीक है? और कोण ए कितना दिया है बच्चों हमारा? 120 डिग्री। तो कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए कितना है? 120। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कोण डी बराबर ये हो गया बच्चों हमारा 60 डिग्री, ठीक है? तो कोण डी हमारा निकल गया बच्चों 60 डिग्री, ठीक है? और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण ए 120 है तो कोण सी 120 होगा, ठीक है? तो कोण डी हमारा 60 डिग्री निकल गया, तो कोण डी बराबर क्या होगा बच्चों? कोण बी, ठीक है? सम्मुख कोण। तो कोण डी बराबर कोण बी, यानी कि यह 60 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा बच्चों हमारा? 60 डिग्री होगा। और हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? कोण डी जो है हमारा हो गया 60 डिग्री, और कोण बी जो है हमारा हो गया कोण बी बराबर 60 डिग्री। तो ये हमारे चारों कोण निकल गए, ठीक है? कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी। अब देखिए, 120 डिग्री और 60 डिग्री 180 डिग्री हो गया, यह दोनों आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री।
कोण बी का आसन कोण कोण सी अगर हम लेते हैं तो 60 और 120 80 डिग्री, दोनों आसन कोण का योग संपूरक 180 डिग्री। कोण डी और कोण सी दोनों आसन कोण है, इनका योग कितना हो गया 180 डिग्री, और 120 डिग्री और 60 डिग्री यह दोनों कोण भी आसन है यानी 180 डिग्री। तो इस तरह से यह हमारा प्रश्न हल हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है। तो हमारा इसमें क्या दिया गया कि एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। सम चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। यानी कि AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा, AD भुजा, चारों भुजा क्या है बच्चों, बराबर है। और प्रश्न में क्या दिया गया है कि विकर्ण जो है यानी AC एक विकर्ण है और B और D एक विकर्ण है, ठीक है। तो यह विकर्णों की जो लंबाई है वह दी हुई है। तो यहां पर देखिए AC एक विकर्ण है और B और D एक विकर्ण है, तो हम यहां लिख देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो विकर्ण दिए हुए हैं, ठीक है। दो विकर्ण है इस समचतुर्भुज में, AC और B और D, ठीक है। दोनों विकर्णों की लंबाई हमें दी गई है। तो BD विकर्ण जो है, B और D विकर्ण, इसका लंबाई हम मान लेते हैं 8 मीटर, और यह जो है AC विकर्ण, इसका लंबाई हमने मान लिया 6 मीटर, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, चारों भुजाओं की लंबाई को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी विशेषता को जानेंगे, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो क्लास में भी पढ़ चुके हैं समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज जो यह दिया है बच्चों, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वह समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जब हम इस विकर्ण को बनाते हैं, खींचते हैं, तो यह विकर्ण एक दूसरे को समकोण, यानी समकोण मतलब बच्चों 90 डिग्री, ठीक है, समकोण पर सम द्विभाजित करते हैं। तो AC विकर्ण जब BD विकर्ण पर ये पड़ता है, तो इस पॉइंट को मान लीजिए बच्चों हमने O पॉइंट मान लिया, तो यह क्या करता है, सम द्विभाजित करता है विकर्ण को, ठीक है। यानी BD विकर्ण, B और D विकर्ण जो है वो आपका कितना है बच्चों, 8 मीटर है। तो जब AC विकर्ण इस पर पड़ा तो BD विकर्ण जो है सम द्विभाजित हो गया, मतलब दो बराबर भाग में बट गया, ठीक है। तो BD 8 मीटर है, तो यह हो जाएगा बच्चों आपका 4 मीटर D से लेकर O तक का, और O से लेकर B तक का ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार AC विकर्ण पर जब BD विकर्ण कट रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों कि यह AC विकर्ण जो है वह समकोण पर यह समकोण बन रहा है, और AC विकर्ण जो है वो सम द्विभाजित हो रहा है, यानी कि सम मतलब दो बराबर भाग में विभाजित हो रहा है। तो AC जो है हमारा 6 मीटर है, लेकिन जब यह विकर्ण बना तो A और O जो है बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 मीटर, और O और C जो है बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 मीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं AO, ठीक है। तो AO हो गया आपका बच्चों 3 मीटर, उसी प्रकार से O और C कितना हो गया आपका 3 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार से O और D, ठीक है, या DO लिख दीजिए, DO हो गया आपका 4 मीटर, और आपका OB, ठीक है, OB कितना हो गया बच्चों आपका 4 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमने दो बराबर हिस्सों में विकर्ण को बना दिया, ठीक है, लिख दिया अलग अलग, ठीक है। क्यों, क्योंकि विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण बनाते हैं और समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ का मतलब है समकोण मतलब यह जो कोण है कितना डिग्री का बनता है बच्चों, 90 डिग्री, समकोण। यह कोण भी 90 डिग्री का होता है, यह कोण भी 90 डिग्री का होता है, इधर वाला कोण भी 90 डिग्री का होता है। देखिए बच्चों यहां तक हल करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पर अगर आप देखिए तो इस समचतुर्भुज में जब विकर्ण बन गए तो हमको क्या है, हमें 4 त्रिभुज देखने को मिल रहा है, ठीक है। AB O पहला त्रिभुज, AOD दूसरा त्रिभुज, COD तीसरा त्रिभुज, और BCO चौथा त्रिभुज। यहां पर 4 त्रिभुज हमें देखने को मिल रहे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर हम एक भुजा का माप निकाल लेंगे समचतुर्भुज का, तो वही माप चारों भुजा का होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में
चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं, यानी सिर्फ हमें एक भुजा का माप निकालना है। तो यहां पर क्या किया है मैंने, ये वाला जो त्रिभुज है मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ओ बी सी त्रिभुज को मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहां पे देखिए ओ बी सी त्रिभुज मैंने बाहर निकाल दिया, बी और ओ का लंबाई 4 मीटर यहां लिख दिया और सी और ओ का लंबाई 3 मीटर है मैंने यहां लिख दिया। कोण हमारा 90 डिग्री का यहां पर बन रहा है बी ओ सी, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे बच्चों कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, यानी बी ओ सी जो कोण दर्शाते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं। तो यह कोण ओ क्या है 90 डिग्री, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ओ बराबर यह हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम भुजा की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज। यह क्या है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है, ठीक है, और यहां पर है 90 डिग्री का यह हमारा कोण, ठीक है। तो ऐसा कोण जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक नियम है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एक सूत्र हमें मालूम है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से एक सूत्र है जो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। वह सूत्र क्या है बच्चों, देखिए अब जो ये त्रिभुज हमने बनाया है जिस भुजा पर लंबवत 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है उस भुजा को हम आधार कहते हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री का भुजा कोण बनाता है आधार पर उसे हम लंब कहते हैं, और यह जो भुजा है ए और सी को जब हम जोड़ते हैं उसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर जो है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, ठीक है। यानी कर्ण जो होता है वो लंब और आधार के जोड़ के बराबर होता है। तो यह है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये वाला सूत्र जो है इस त्रिभुज में हम अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, और यह भुजा बीसी को हम निकालेंगे। तो देखिए यह जो ओसी भुजा है या 90 डिग्री का इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना है, तो आधार क्या हो गया हमारा 3 मीटर, ठीक है। आधार क्या हो गया बच्चों हमारा 3 मीटर, आधार बराबर 3 मीटर, ठीक है। और बी ओ क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लंब, ठीक है, ये हो गया हमारा लंब। लंब कितना है बच्चों हमारा 4 मीटर। और यह बीसी भुजा जो है वह कर्ण है, बीसी क्या है बच्चों भुजा जो है वह कर्ण है। तो हम इस सूत्र के हिसाब से इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या है 4 है, लंब क्या है बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार क्या है 3, तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 चक्का 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 का 9। तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 कितना हो गया बच्चों हमारा 25, ठीक है। बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बीसी कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा अंडर रूट 25, ठीक है। कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, और बीसी का मान जब हम रूट हटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। जब भी कोई संख्या अगर स्क्वायर वाली संख्या रूट में होती है तो उसको रूट को हटाकर हम 5 बाहर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बीसी का मान यानी बीसी भुजा जो है वह 5 मीटर निकल गया। और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं 5 मीटर की हैं, तो ए बी भुजा भी हो गया हमारा 5 मीटर, ठीक है। ए डी भुजा भी हो गया हमारा 5 मीटर, और सी डी भुजा भी हो गया हमारा 5 मीटर। हमने सिर्फ एक भुजा निकाला था, और समचतुर्भुज की यह परिभाषा होती है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, इसलिए प्रत्येक भुजा का माप क्या आ गया बच्चों 4 मीटर। तो बच्चों हमारा चौथा प्रश्न क्या है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग समानताएं देख लेंगे, क्या समानताएं होती हैं, फिर हम लोग अंतर देख लेंगे। आयत और समांतर चतुर्भुज, पहला
आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं जो होते हैं बच्चों वो बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। दूसरा, आसन्न कोण समपूरक होते हैं और समांतर चतुर्भुज में भी आसन्न कोण समपूरक होते हैं, ठीक है। तीसरा, सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं, ठीक है। समांतर होते हैं भुजाएं और यहां मैंने बराबर, दोनों में अंतर है, ठीक है, बराबर है और ये समांतर है, ठीक है। चौथा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, किसमें, आयत में, और समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये चार चार समानताएं मैंने लिख दी हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे, क्या अंतर होता है आयत और समांतर चतुर्भुज में, क्या क्या अंतर है। चलिए बच्चों हम लोग देख लेंगे अंतर को, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंतर बताने के लिए मैंने चित्र को बनाया, यहाँ आयत का चित्र है और ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है। तो सबसे पहला अंतर जो आपको दिख रहा होगा, यह देखिए, आयत में सभी कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है। आयत में क्या होता है बच्चों, सभी कोण जो होते हैं, चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में सभी कोण जो है वह 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं सिवाय वर्ग और आयत को छोड़ के, ठीक है। तो वर्ग और आयत, ये आयत जो है वह एक समांतर चतुर्भुज ही है, ठीक है, और वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है, आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो अगर ये वर्ग और आयत को लेकर हम चलेंगे तो 90 डिग्री का कोण हो सकता है, लेकिन वर्ग और आयत को छोड़कर प्रत्येक समांतर जो चतुर्भुज होता है वह 90 डिग्री का कोण बराबर, चारों कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। पहला अंतर है जो आप लिख लेंगे, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और 90 डिग्री के नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री मतलब सम कोण। दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा लिखेंगे, आयत के विकर्ण समान यानी बराबर होते हैं, आयत का जो विकर्ण होता है उनकी लंबाई बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, समान नहीं होते हैं वर्ग और आयत को छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए, यह जो है ए और यहां पर ए बी, यहां पर इसको नाम दे दीजिए सी और इसको नाम दे दिया हमने डी। तो यहां पर देखिए ए सी और बी डी विकर्ण जो है वो बराबर है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में अगर आप देखिएगा तो ए सी विकर्ण जो है आपको दिख रहा होगा थोड़ा छोटा है और यह जो बी डी विकर्ण है यह लंबा है, इसे हम नाप के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ए सी विकर्ण छोटा है, बी डी विकर्ण जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंतर। नोट में आप एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा और हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग और आयत समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो अगर कहें कि क्या वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, तो हाँ वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है, तो हाँ आयत एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारा अध्याय खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है, यहाँ पर देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन शुरू करेंगे।